राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भारतीय शेयर बाजार आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया ऑल टाइम हाई छुआ। इसके चलते निवेशकों को आज दिन भर में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जमकर खरीदारी दिखी। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। बैंकिंग और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे अधिक तेजी दिखी। इसके अलावा फाइनेंशियल, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, यूटिलिटीज, कैपिटल गुड्स, पावर और रियल्टी शेयरों के इंडेक्स 2% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएससी सेंसेक्स 1383.93 अंक यानी 2.05% की तेजी के साथ 68,865.12 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 418.90 अंक यानी 2.07% बढ़कर 20,686.80 के स्तर पर बंद हुआ। बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 4 दिसंबर को बढ़कर 343.45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 1 दिसंबर को 337.67 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5.78 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। 5 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि आज के कारोबार में तेजड़ियों ने अपना मजबूत दबदबा दिखाया और शुरुआत से इंडेक्स ऊपर चढ़ता रहा। कारोबारी सत्र के अंत में निफ्टी 418.90 अंकों की बढ़त के साथ 20,686.80 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मीडिया और फार्मा को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। इनमें भी बैंकिंग और एनर्जी में सबसे ज्यादा तेजी रही। मिड और स्मॉल कैप सूचकांक आज अंडर परफॉर्म करते दिखे क्योंकि खरीदारी केवल इंडेक्स आधारित शेयरों में देखने को मिली। डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाया है। ये एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है, जबकि निचली समय सीमा यानी आवर्ली चार्ट पर काफी ज्यादा ओवरबॉट स्थिति देखने को मिल रही है। अब बाजार में टाइम या प्राइम करेक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसे में केवल गिरावट पर ही बाजार में एंट्री करनी चाहिए। रेली केयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि हफ्ते की शुरुआत में बाजार में आतिशबाजी देखने को मिली। मौजूदा तेजी के रुझान को ध्यान रखते हुए आज 2% की बढ़त हुई। बैंकिंग पैकेज तेजी को लीड कर रहा है, जबकि दूसरे सेक्टर सहायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी यही ट्रेंड जारी रह सकता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से भी संकेत अनुकूल हैं, जिससे ट्रेडर्स को और राहत मिल रही है। लेकिन इतनी तेजी के बाद निफ्टी 20,750 के आसपास राहत की सांस ले सकता है। उम्मीद है कि किसी गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए 20,300 से 20,400 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऐसे में ट्रेंड के साथ बने रहने की सलाह होगी। निफ्टी में किसी गिरावट या कंसोलिडेशन को खरीदारी के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट है मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।